Hello friends, welcome back. In today's video tutorial, we are going to discuss about type 3 hypersensitivity. Dosto, pichle video mein type 2 hypersensitivity ko humne padha tha, jo ki cytotoxic type of hypersensitivity jisko humne bola. Aaj hai aapka type 3 hypersensitivity jisko immune complex bhi bolte hain. Dosto, isliye immune complex bolte hain kyunki immune complex mediated hai. इम्यून कॉम्प्लेक्स मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस. यहाँ पे लिखा है दोस्तों, देखिए इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड है हाइपरसेंसिटिविटी टाइप थ्री, और इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस. तो जनरली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जब बनते हैं, मीन्स जब एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन के उस एंटीजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती हैं एंटीबॉडीज. लेकिन कभी कभी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, मीन्स इन एक्सेस, एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस. तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो जाती हैं या तो एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन, या फिर बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज में इनका डिपोजिशन हो जाता है. तो दोस्तों देखिए, एक्सेस में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस. दोस्तों इससे पहले एक बात आप याद रखेंगे कि टाइप थ्री हाइपरसेंसिटिविटी में एंटीजन आपका कैसा होगा, सॉल्यूबल टाइप, सॉल्यूबल एंटीजन. तो देखिए, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जब एक्सेस में बनते हैं तो ये डिपोजिट हो जाते हैं, डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेज, या तो लोकल साइट पे मीन्स एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन, या फिर सिस्टमिकली मीन्स बॉडी के किसी भी टिश्यूज में वो डिपॉजिट हो सकती हैं. तो होगा क्या, ये किस चीज़ को लीड करेगा, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, मीन्स कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को ये लीड करेगा, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, टिश्यू इंजरी होती है. तो होल प्रोसेस मीन्स इसका मैकेनिज्म कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और डिपोजिशन किस तरह होगा और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन किस तरह से टिश्यू इंजरी को लीड करेगा. तो दोस्तों अगर मैकेनिज्म की बात करें टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की, तो यहाँ पे हमने एक ब्लड वेसल ली है, ब्लड वेसल का क्रॉस सेक्शन लिया है, उससे हम एग्जाम्पल को समझेंगे, इसके मैकेनिज्म को समझेंगे. सॉरी, तो ये ब्लड वेसल हमने ली है, उसका क्रॉस सेक्शन लिया है. सपोज ये आपकी ब्लड वेसल है, इसमें देखिए ये ग्रीन से हमने एंटीजन को दिखाया है. ब्लड वेसल में सपोज आपके एंटीजन्स हैं, कैसी एंटीजन्स, सॉल्यूबल एंटीजन्स, सॉल्यूबल एंटीजन. तो एंटीजन ब्लड वेसल में आपका प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, ये आपका बी सेल्स को इंड्यूस करेगा, ये आपकी बी सेल्स हैं, बी सेल को इंड्यूस करेगा, और बी सेल मिच्योर होकर आपकी प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स प्लाज्मा सेल बन जाएंगी. और आपको पता है कि प्लाज्मा सेल्स का क्या काम है, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं. तो एंटीजन के अगेंस्ट प्लाज्मा सेल आपकी क्या करेगी, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी, एंटीबॉडी बनेगी, और आपके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे. ये क्या है आपका, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया. तो इस तरह से दोस्तों अगर बहुत सारे एंटीजन्स हैं तो आपका क्या होगा कि बहुत सारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, राइट. तो फर्स्ट फेज, इस पूरी रिएक्शन को हमने थ्री फेजेज में डिवाइड किया है. फर्स्ट फेज में क्या हुआ, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, मीन्स एंटीजन एंटर किया और एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ, और क्या बना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेज बने. सेकेंड फेज में क्या होगा दोस्तों, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस का डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. तो देखिए इस ब्लड वेसल की ये जो इंटरनल लेयर आप देख रहे हैं, दिस वन, ये क्या आपकी, इसको बोलते हैं एंडोथीलियम,
जो इस तरह के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एंडोथीलियम, इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। क्लियर? तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेज हैं ये इस एंडोथीलियम की सरफेस पे जाके क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेज हो जाता है। क्लियर? अब जब आपके ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेज बने, इनका डिपोजिशन हुआ, फिर क्या होगा दोस्तों, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेज कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है, मीन्स एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट होगा। और आपका देखिए कॉम्प्लीमेंट किधर आ जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आपका एंटीबॉडी से जाके बाइंड हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। तो दोस्तों जैसे ही कॉम्प्लीमेंट आपका बाइंड होगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट के दो फ्रेगमेंट्स होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट के दो फ्रेगमेंट होते हैं, ये दो फ्रेगमेंट से मिलके बना होता है, एक बड़ा फ्रेगमेंट और एक छोटा फ्रेगमेंट, एक लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज फ्रेगमेंट को हम सपोज ये कॉम्प्लीमेंट है, ये लार्ज फ्रेगमेंट और ये स्मॉल फ्रेगमेंट, लार्ज फ्रेगमेंट को हम बी से डिनोट करते हैं और स्मॉल को ए से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो क्या होगा, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा, आपका ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होगा और कॉम्प्लीमेंट पाथवे आपका एक्टिवेट होगा, तो क्या होगा दोस्तों, ये दो फ्रेगमेंट में आपका टूटेगा, एक लार्ज फ्रेगमेंट और एक स्मॉल फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे कौन से लार्ज और कौन से स्मॉल फ्रेगमेंट हैं, लार्ज को बी बोलते हैं और स्मॉल को ए बोलते हैं। तो दोस्तों C3A और C5A ये दो आपके दोस्तों ए फ्रेगमेंट के बाय प्रोडक्ट C3A और C5A एज ए कीमो एट्रैक्टेंट वर्क करते हैं। मींस कीमो एट्रैक्टेंट का काम क्या है, ये न्यूट्रोफिल्स को इनवाइट करेगा एट द साइट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। तो दोस्तों C3A एंड C5A क्या करेगा, न्यूट्रोफिल्स को इनवाइट करेगा, अट्रैक्ट करेगा कहाँ, एट द साइट ऑफ डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। तो न्यूट्रोफिल आपका आके इधर इस साइट पर आएगा। तो दोस्तों न्यूट्रोफिल का काम क्या है, वैसे जनरली एंगल्फमेंट का काम है, फैगोसाइटोसिस का काम है इसका, राइट? लेकिन यहाँ पे ये फैगोसाइटोसिस कंप्लीटली नहीं कर पाता, तो इंटर्न ये क्या करता है, ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, जैसे कुछ लाइटिक एंजाइम्स को ये रिलीज करता है। क्लियर? तो वो लाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगी, वो एंडोथीलियम को डैमेज कर देती है, मींस टिश्यू को डैमेज कर देती है। क्लियर? देखिए ये C3A एंड C5A दे एक्ट एज ए कीमो अट्रैक्टेंट, ये क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल को इनवाइट करेंगे। और न्यूट्रोफिल क्या करता है दोस्तों, न्यूट्रोफिल वैसे इसका जनरली काम क्या है, फैगोसाइटोसिस करना, लेकिन लार्ज इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होने की वजह से ये प्रॉपरली फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाता, और ये इंटर्न क्या करता है, इंस्टीड ऑफ फैगोसाइटोसिस इट रिलीज सम लाइटिक एंजाइम्स। तो लाइटिंग एंजाइम्स का काम क्या है, वो लाइटिंग एंजाइम्स इस एंडोथीलियम को डैमेज कर देती है। क्लियर? इस तरह की फिनोमेना को बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड फैगोसाइटोसिस। क्लियर? क्योंकि न्यूट्रोफिल क्या है, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, वो बहुत बड़ा इम्यून एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स देख रहा है, बहुत ज्यादा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बने हुए, इम्यून कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा बना हुआ है, तो वो फ्रस्ट्रेट होके वो प्रॉपरली फेगोसाइटोसिस नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है,
वो कुछ लाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करना शुरू करता है। लाइटिक एंजाइम्स एंडोथीलियम को डैमेज करना शुरू करते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड फैगोसाइटोसिस। क्लियर है दोस्तों? तो ये तो है इसका मैकेनिज्म, Type 3 हाइपरसेंसिटिविटी का मैकेनिज्म। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है कि जैसे ये न्यूट्रोफिल आपकी इस डिपोजिशन साइट पे आके अटैच हुई, तो न्यूट्रोफिल ने क्या किया, इस न्यूट्रोफिल ने साइटोकाइंस रिलीज किए, मीन्स कुछ लाइटिक एंजाइम्स रिलीज की। तो लाइटिक एंजाइम्स ने क्या किया, इस एंडोथीलियम को, देखिए इस एंडोथीलियम को डैमेज कर दिया। तो जिससे क्या हुआ, टिश्यू नेक्रोसिस हो गई। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं Type 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। क्लियर दोस्तों? आगे हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ Type 3 हाइपरसेंसिटिविटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ Type 3 हाइपरसेंसिटिविटी। वन इज लोकलाइज्ड एंड अनदर वन इज जनरलाइज्ड और सिस्टमिक। पहला है आपका लोकलाइज्ड रिएक्शन। दोस्तों Type 3 हाइपरसेंसिटिविटी के टाइप्स डिपेंड करते हैं कि एंटीजन या एंटीबॉडी का लेवल क्या है। क्लियर? तो दोस्तों देखिए, लोकलाइज्ड रिएक्शन में होता क्या है, अगर एंटीबॉडी आपकी एक्सेस में है या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपका इक्विवेलेंस में, मींस आपकी एंटीजन एंटीबॉडी का जो रेशियो है वो इक्वल है, या दूसरी कंडीशन कि एंटीबॉडी अगर आपकी एक्सेस में है, तो होगा क्या कि कॉम्प्लेक्सेस आपके लार्ज बनेंगे और इनसॉल्युबल बनेंगे, जिससे क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्सेस आपके लोकलाइज हो जाएंगे, लोकलाइज नियर द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडी अगर एक्सेस में है या एंटीजन एंटीबॉडी इक्विवेलेंस है, तो लार्ज कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स आपके लोकलाइज हो जाते हैं नियर द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन, जिससे कि क्या होगा, इसको आप क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड टाइप, लोकलाइज्ड टाइप। क्लियर? या इसको आर्थर्स रिएक्शन भी बोलते हैं। आर्थर्स रिएक्शन इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था NM आर्थर्स। उन्होंने इसको इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम से इसको आर्थर्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें होगा क्या, इसमें जो आपके मैनिफेस्टेशंस होंगे वो लोकलाइज्ड मैनिफेस्टेशन होंगे, या लोकल मैनिफेस्टेशंस आप उनको कह सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी डिजीज इंक्लूडेड हैं दोस्तों, जैसे फार्मर्स लंग, फार्मर्स लंग इट इज फॉलोइंग बाय द इनहेलेशन ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज के इनहेलेशन से फार्मर्स डिजीज होती है। और दूसरा है दोस्तों बर्ड फेंसियस डिजीज, जो कि ऐसी एरिया में इनहेलेशन करने से हो सकता है जहां पे पीजेंस की फिसिस हो दोस्तों। क्लियर? तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लोकलाइज्ड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी के, Type 3 हाइपरसेंसिटिविटी के। ये दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, फार्मर्स लंग एंड बर्ड फेंसियस डिजीज। क्लियर? सेकेंड टाइप है जनरलाइज्ड और सिस्टमिक टाइप ऑफ Type 3 हाइपरसेंसिटिविटी। ये कब होगा दोस्तों, जब आपकी एंटीजन एक्सेस होंगी, मीन्स एंटीजन ज्यादा होंगी, तो तब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्सेज आपके स्मॉल बनेंगे और सॉल्युबल बनेंगे। क्लियर? सॉल्युबल बनेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेज आपके ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, ट्रेवल थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। और क्या होगा, सर्कुलेशन में जाने से ये बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज में, बहुत सारी साइट्स में डिपॉजिट हो सकते हैं,
एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, या आप इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कह सकते हैं. तो डिपॉजिटेड इन वेरियस साइट्स. तो दोस्तों इसको आप कहेंगे जब डिपोजिशन आपका बहुत सारी टिश्यूज में हो रहा है, वेरियस टिश्यूज में हो रहा है, तो ये क्या करेगा आपका जनरलाइज्ड जनरलाइज्ड इन्फेक्शंस कॉज करेगा. क्लियर? तो इसको आप कह सकते हैं जनरलाइज्ड टाइप ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी. क्लियर? तो इसमें आपकी बहुत सारी डिजीजेज इंक्लूड हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आर्थराइटिस है, और भी बहुत सारे डिजीजेज इसमें इंक्लूडेड हैं. इनको आप याद रखेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड आर्थराइटिस. तो दोस्तों इस तरह से दो तरह की आपकी टाइप, दो टाइप की आपकी टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, एक तो जनरलाइज्ड, दूसरी लोकलाइज्ड. तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी. आई होप कि आपके समझ में वीडियो आया होगा. अगर आपके समझ में आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट कर सकते हैं आप. अगर कोई चीज़ आपके समझ में ना आई हो तो कमेंट पे आप लिख सकते हैं. और अगर आपके समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके. थैंक यू वेरी मच दोस्तों.